बेटा आज सुबह सुबह लगा दिया मैंने उनके तेल। तो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो जी कल के लिए तो सो सॉरी क्योंकि मैंने तो अपना क्रिसमस मना लिया। मैं सोची कि कल ही 25th है, तो एक्चुअली आज कल 24th थी। और जो को मैंने सोचा किसी ने मुझे बताया भी नहीं, मैंने व्लॉग में भी बोला बहुत कुछ बोला और मैं बच्चों के लिए इतनी प्लानिंग कर रही हूँ कि मैं गिफ्ट लेके आऊंगी वो लेके आऊंगी, बट किसी ने भी ध्यान यूँ नहीं दिया कि आज 24th था। बाकी सबको पता था, एक सिर्फ घर में मेरे को ही नहीं पता था, तो उसके लिए तो सो सॉरी। तो बस इसलिए मैं हम लोग सोचा कि कल एमजी रोड में ऐसा क्यों हुआ कि मतलब वहाँ पे ना अंदर गाड़ी अलाउड ही नहीं होती जिस दिन पैसा मतलब फेस्टिवल या फिर कुछ न्यू ईयर होता है। तो मुझे एक्चुअली आज सुबह पता लगा कि आज 25th है, तो कोई बात नहीं होती रहती है। इसलिए मैंने अपना सुबह सुबह भी, अब लॉन्ग वीडियो गई है उसको मैं वापस डिलीट करके मतलब मैं क्या ही उसकी एडिटिंग करती क्योंकि मैंने बोल रखा था सब कुछ। बस मैंने उसका थंबनेल थोड़ा सा चेंज कर दिया, उसमें इन एडवांस लगाया मैंने ताकि पता तो लगे किसी को कि हाँ भैया आज 24th है और ये एडवांस में ही मतलब विश कर रही है सबको, तो ऐसा करके था। तो आज है 25th दिसंबर, तो सभी को मैरी क्रिसमस आज है। तो कोई बात नहीं, मेरे को एक दिन और मिल गया बच्चों के लिए, कल मैं कुछ नहीं कर पाई थी इन लोगों के लिए, तो आज मैं लेके आऊंगी छोटे छोटे गिफ्ट्स, बच्चों के लिए खुश हो जाएंगे। तो कल देखा आप लोगों ने, हम लोग गए थे बाहर और कल ना हुआ क्या कि अंजू को जाना था आज, तो अंजू भी गई भैया, मन नहीं लगेगा काफी दिन तक मैं बता दूं आप लोगों को। तो अंजू गई है घूमने के लिए और कहाँ गई है मैं वो 2-3 दिन बाद बताऊंगी। तो ये था और इसलिए उसको चाहिए था कि मैं मम्मी को थोड़ा सा घुमा लूँ। तो हम लोगों का भी प्लान था कि हम भी क्रिसमस पे बाहर निकलेंगे, तो पता नहीं कहाँ मेरा दिमाग था, मैंने 24th को 25th समझ लिया। तो आज मैं नहा के होगी हूँ रेडी और बच्चों को भी मैंने नहला धुला दिया भैया। तो सुबह सुबह मैंने कपड़े चेंज भी कर दिए, नोनू के अच्छे से मालिश कर दिया मैंने 2-3 बार, तो मैंने ऑलरेडी कर दिया। तो अभी मैं जाऊँगी किचन में, आज बनाया हम लोगों ने बैंगन की सब्जी, आलू बैंगन की सब्जी ग्रेवी वाली और बाजरे की रोटी, बाकी सबकी बनेगी गेहूँ की क्योंकि बाजरे की मैं मम्मी और पापा बस हम तीनों ही खाते हैं, बाकी कोई नहीं खाता। तो चलिए चलते किचन में। और हाँ, फोन लिया मैंने पबजी का, बीच में पबजी चल रहा था इनका तो बस छीन के लिया थोड़ी देर फटाफट। तो चलिए चलते हैं जी किचन में। पहले मुझे हाइड्रोलाइज करो। तो ये देख लो, ये रही यशवी, यशवी क्या खा रही है, लिटिल हार्ट। और ये देख लो दोनों की मैंने मालिश वालिश कर दी है अच्छे से। ओ माय गॉड, आराम से खाइयो, कहीं अटका ले। अच्छा तो हाइड्रोलाइज कर रही है पापा को। क्या ला आज, क्या है यशवी? सबको बोल दे है मैरी क्रिसमस। नोनू बोलेगा क्या? चूचू है ये। तो गैस बन गई है मेरी सब्जी, यहाँ पे देखिए बन तो क्या गया, मेरे पास तड़का लगाया भी छोक दी है, तो धीरे धीरे होती रहेगी। तो मैं रेडी मैं बना लूंगी, पर मैं तो आटा लगाया ना इसका ना भाई, अब मेरे उसकी नहीं है लग तो गया। रोटी दिखा दो, मुझे तो तनाव लोग हैं फुली फुली। कितनी? 170 लोग हैं जो रोज इसका लोग देखते हैं। हाँ कोई तो है कम से कम तो देखे। 70 लोग मतलब प्रॉपर देखते हैं। देखो फिलहाल मैं इस चक्कर में नहीं घेरी कि मैंने मेरे कोई देखा है, फिलहाल मैं इस चक्कर में घेर रही हूँ कि बनना शौक है। हटा लो, बाय कर दे चाचू को। आ गई कैब, बाय कर दे। दोनों के तो बाय बेबी, बाय बाय। सो गाइस अभी टाइम हो गया है 3:30, तो मैं हो गई हूँ रेडी। और आज कहती हूँ कि मन में थी पता नहीं क्यों डी मार्ट जाने की, तो मैं वहाँ जा रही हूँ उसके साथ में। तो मैं मोबाइल देखूँगी, लेगी तो मैं शूट करूँगी, अगर नहीं लेके गई तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। वैसे तो कहती का भी मैं उसका ले लूँगी मतलब व्लॉगिंग के लिए, तो यह मोबाइल लगेगा पतिदेव को। और पास में जा रहे हैं हम लोग, ज़्यादा दूर नहीं जा रहे, तो मैंने ये वाली कुर्ती वापस से और इस प्लाजो पे वाइट वाले पे पहन लिया। तो डांस की वीडियो भी आ गई है, वो भी देखना यार, शॉर्ट वीडियो मैंने डाली है अभी अभी, और बताना कि कैसी लगी है, है ना। तो बस मैंने वापस से लैक्मे वाली 9 to 5 लगाई है सीसी क्रीम। तो बस मैं अभी हूँ रेडी, और मम्मी मैं और केतकी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, रास्ते में जहाँ जा जाएंगे वही हम लोग दिखाऊंगी, बने रहिएगा ब्लॉग में। चलिए मतलब ले जाऊँ फोन, चांदी का मेरा नाड़ारी, चांदी का मेरा नाड़ारी। सो गाइस ये वाली वीडियो ना मैं नीचे बना के आई थी, और पतिदेव ने मेरी देख लो शूट भी कर दी। सोसाइटी में नीचे जाके किसका पति बनाता है, मेरा पति वीडियो बनवा के लाता। कल मैं लेगी थी शाम को, 2 बार मैं ही बना दी। और ये रहे मेरे बच्चे, तो वीडियो आ गया गाइस देखना जरूर है। लो भैया अपना मोबाइल ले लो, मैं बना लूँ केतकी का मोबाइल में, कोई बात नहीं उसका कौन सा, हाँ उसी का लेना पड़ेगा यार। चलो बाय। सो गाइस मैं आ गई हूँ नीचे, और मम्मी केतकी पहले ही आ गई थी, तो
नोनू रोने लग गया आज, तो ये व्लॉग शूट हो रहा है भैया केत के मोबाइल में। मैंने घर में किसी के फ़ोन नहीं छोड़े भाई, गॉड किसी के भी नहीं। जहाँ जिसका मौका मिले था ले लेती, बट मुझे एडिटिंग करने में बड़ी मुश्किल आती है फिर, क्योंकि सारी वीडियो फिर ट्रांसफ़र करनी पड़ती है ना, और वह मैं फिर व्हाट्सअप से ले नहीं सकती क्योंकि फिर ब्लर हो जाती है। तो ये लूँगी मैं एयर ड्रॉप से, इसलिए मैं व्लॉगिंग करते करते जा रही हूँ, वीडियो भी बना लूँगी। और अभी क्या ले रही थी फीड, तो मैं सोची तब तक मैं गाड़ी वहाँ लेके जाती हूँ गेट के आगे तक, है ना, तो इसीलिए यही था। तो मैं आ गई हूँ गाड़ी तक और नोनू को लगा के आई हूँ भैया मोबाइल में, और कोई ऑप्शन था ही नहीं मेरे पास, क्या ही करती बड़ी मुश्किल से। अच्छा चलो भैया। सो गाइस मैं आ गई हूँ गाड़ी में और मैं बैठ भी गई हूँ, तो वो लोग वेट कर रहे होंगे। आज भैया ड्राइविंग की टर्न है मेरी काफ़ी दिन बाद, तो आज मैं ड्राइव करूँगी, मैं गाड़ी लेके जा रही हूँ क्योंकि अभी का है उसके केतकी के साथ में, और मम्मी भी वहीं पे ही हैं। तो चलिए चलते फटाफट, मैं गाड़ी निकाल लूँ, वो लोग वेट कर रहे होंगे वहाँ पे। चमका दिया ना, ऐसे गंदा हो रहा था यार, आज उसने क्या नहीं होगा मंडे, गाड़ी साफ नहीं हुई थी कि कल बोलो आज नहीं कर लेगा था चाबी कल के बाद, तो एक दिन में इतनी धूल हो जाती है। हाँ वो तो है, लिफ्ट ले रही क्या उसमें, रील्स में क्या दिखाया वो बोलते हैं, चलो सुनो दूध वाली बोतल ऊपर रख ले इसकी, बड़ी तो नहीं रहेगी छोटी तो नहीं रहेगी, स्कूल शूज तो 12 ही है उसका, एक नंबर बड़ा ले लो फिर से। हाँ एक बेटर तेरा देखना नहीं सुन मम्मी, उसकी उसमें 12 आवा है ना फिर, है सुनो ये आएगी उसकी, ये कौन सी है तेरा नंबर है। हम लोग घर और डीमार्ट गए, क्या ही वीडियो बनाती है आज, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, फोन तो था मेरे पास केथी का, बट मैं वो भी शूट नहीं कर पाई, तो मैं वो वीडियो लूंगी दो तीन दिन जो मैंने यहाँ से शूट करी है। तो मैं यशु की लेके आई थी फ्रॉक्स, तो दिखाती हूँ आप लोगों को, और मैं और थोड़ी बहुत एक्सेसरीज लेके आई हूँ, तो वो भी दिखाती हूँ कि कैसी है और क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है यशु की, ये क्रॉक्स लेके आई है, लोकल वाले ही हैं, डीमार्ट से ही लिए थे ये मैंने, मतलब घर में पड़े रहते हैं, है ना। और बाकी मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या लिया है, काट रही तो एक तो यशवी का मैंने ये लिया था, यशवी को चाहिए था, यशवी बोलती मम्मा मेरा डायमंड वाला लेके आना, ये लिया था। ये मैंने हेयर क्लिप ली थी, मेरी दो ली थी, एक ये और एक ये, तो ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना ये री। और इयररिंग्स लिए आज मैंने बहुत सारे, मम्मा एक तो मैंने ये लिए हैं पर्ल वाले, ये मेरे कैसे हैं, अच्छा यशवी बोल रही है मेरे हैं, ये मेरे हार्ट वाले हैं। अब तो यशवी के भी कान बिंद गए भैया, अब तो यशवी के ही हैं ये तो अभी पहनने का। एक ये वाले लिए थे मैंने पर्ल वाले, एक और ये वाले, ये चाची नहीं मम्मा के, नहीं ये मम्मी ने लिए थे ये वाले और ये वाले, तो दादी को मैं ये दे, ये मम्मी के यहाँ, ये दादी के ही है दोनों, तो मैं दादी को दी। और भी लिए थे मैंने आपकी बार, मैं बहुत सारे लेके आई हूँ, तो दिखाती हूँ आपको। और एक मैं लेके आई थी ये वाले, तो ये देखो जीन्स पे उस पे, और इन पे ना ये हैंड क्या बोलते हैं इनको, पेंटिंग कर रहे हुए वो वाले, ये देखो एकदम, हाँ, ये गाइस वो पेंटिंग कर रहे हैं। और जो सबसे ज्यादा मुझे पसंद आए थे वो थे ये वाले, आज मैं बता रही क्यों पर्ल वाले ले आई मैं, सारे मुझे अच्छे लगे, पर्ल वाले क्यों लेके आए, तो ये भी है देखो, तो ये ड्रेस पे किसी पे भी चल जाएंगे ये वाले भी, है ना। ओहो इनका डिजाइन मैं दिखाती हूँ हम लोगों को, इनका डिजाइन है ऐसे ऐसे, इनका डिजाइन ये वाले पर्ल ना बीच में आएंगे इनके ऐसे, ठीक है। और एक जोड़ी थे ये वाले, ये वाले देखो, तो इनको भी दिखाऊं मैं, ये हैं ऐसे देखो, ये सारे हैं मम्मा के, तो मैंने बहुत सारे लिए थे आज, मुझे पसंद आ गए, ये भी पर्ल वाले हैं, पता नहीं मुझे इतना क्यों पसंद आए, ये मेरा और ये तो मेरे, ये देखो, तो यश अपनी वीडियो बनाएंगे गाइस, ये देख लो ये है तो ये देखो। सो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग, तो जी आज हो चुका है नेक्स्ट डे और ये व्लॉग ना कल से कंटिन्यू है, तो मैं इकट्ठे कर रही हूँ बच्चों के टॉय, तो देखो झाड़ू पोछा हो रहा है, तो इसीलिए मैं ये वाला यहाँ पे ले आई हूँ। तो जी हो चुके हैं मेरे, क्या पता आज 2K कंप्लीट हो जाए, तो बस मैं क्या पता शाम को ही बोल दूँ या फिर मैं कल बोलूँ या फिर हो सकता है मे बी परसों ही बोलूँ, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ने पे हैं। सो गाइस बहुत सारा ढेर सारा प्यार दो और सपोर्ट करो, है ना, जब भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि 2K हो जाएंगे तो
बस बहुत खुश हो जाऊंगी मैं 2K होते ही। और आज मैं बता दूं मम्मी पापा गए हैं कैंटीन और मोनिका इतके बच्चे वो तीनों गए हैं बाहर, तो हम चाह रही हैं अभी और काम मैंने पूरा कर लिया अपना, तो मैं सोची व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। व्लॉग स्टार्ट तो खैर है ही, तो आज मेरे को वापस से बनानी है मेरी शॉर्ट वीडियो। तो आप लोगों ने देखा ही होगा गोवा वाली एक भी वीडियो नहीं चली है, एक भी मतलब 300, 400, 800, 900, 1000 बस इतनी ही व्यूज़ आए उन पर। किचन वाली चलती है तो आज मैं फिर से बनाऊंगी और मैं सोच रही कि साड़ी पहनूँ आज भी मैं, तो मैंने एक निकाली हल्की सी साड़ी ऊपर, तो मैं वो डालूंगी और फटाफट अपनी शॉर्ट वीडियो बना लूंगी। तो बस चलिए चलते हैं। और नोनू गए नहाने, यच्छू को मैंने नहा के कप का रेडी कर दिया, मम्मी ने ला दी थी सुबह ही उसको आज, तो चलिए ये देख लो तारे आज गियर दी ना कोई सा ना, पानी सही है इसमें। सो गाइस कल मैं ये भी लेके आई थी एक, मतलब इसमें गर्म ठंडा रहता ना वो वाली पददेव के लिए, बेचारे कितने देर से ढूंढते फिर रहे थे। कल ऐसी हाय मारी बोले इतने ही होंगे, इतने ही सब्सक्राइबर हुए सच में, एक ऊपर नहीं एक नीचे नहीं, आज भी बोले आज नहीं होंगे, आज भी हाय मार दी। और ये रहा मेरा कुका कुका है ना, और हम लोग लेके आए थे एक पोचा भी, ये वाला पोचा, ये वाला लेके आए थे मैंने जोड़ दी, मतलब ये हम लोगों के लिए, तो सुबह जो लगेगा वो अलग मतलब बैठने वाला, और जो हम दोबारा तिबारा 2-3 बार लगता है वो ये हम लोगों के लिए, एकदम मस्त है ये वाला पोछा, तो भाई सच बता रही हूँ मैं मस्त। तो गाइस आज ये है हरी मिर्ची मैंने छोकी है देखो एकदम गाँव, ये बनाई मैंने लस्सी नमक जीरा डाल के, और ये कल की सब्जी आलू बैंगन की सब्जी, पति देव खाएंगे कल की सब्जी और मैं खाऊंगी हरी मिर्ची और लस्सी, लस्सी ले लूँ थोड़ी सी, अब पति देव ढूंढ रहे क्या लूँ, अचार अचार ले लो, हरी मिर्ची खा नहीं सकते। ये मेरी लास्ट रोटी, सब साफ घी तो रख देते। तो यहाँ आ गया कैंटीन का सामान, जैसा कि मैंने बताया था मम्मी पापा दोनों गए हुए थे, तो यहाँ पे काफ़ी भर भर के सामान आया था, तो कुछ केतकी ने निकाल के जचा दिया था मतलब जमा दिया था, और कुछ बाकी था तो वो मैं रख दूँगी। अभी ये देखिए पूरा सामान फैला पड़ा है यहाँ पे, और यश और नोनू बस यूँ देख रहे कि क्या आया क्या नहीं, और ये देखिए पतिदेव पता नहीं क्या ले रहे थे, मैं नाई करे जा रही हूँ उनको कि नहीं 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 ऐसा नहीं है। तो भैया पूरी किचन फैली पड़ी है, मैं पहले समेट लूँ उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो बस सीढ़ियों से नहीं क्यों, तो गाइस अभी टाइम हो गया है 6 और हम लोग जा रहे हैं यशवी नोनू की वैक्सीनेशन है आज, तो मैं तो भूल ही गई थी कि आज की ड्यू है इन लोगों की, एकदम यशवी ने मेरे को याद दिला दी पापा दिवाली दी, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं उसको मिल गई है, तो मैं ले आई हूँ इनको भी। और सुबह से पबजी पबजी पबजी, आज पूरा दिन फिर मोबाइल नहीं बना और मेरा व्लॉग फिर नहीं बना, इस बंदे ने मेरे को मोबाइल दिया ही नहीं, और मेरा मोबाइल आज पड़े कितने दिन हो गया, 8 दिन ट्यूसडे को डाला था, आज नेक्स्ट ट्यूसडे हो गया है, बस एक मेल आया था कि बैंगलोर पहुंच गया मोबाइल, तब के बाद कोई मेल नहीं कोई कॉल नहीं, तो देखो आज या कल में आ जाए तो, और उसको सेट करने मेरे को 1-2 दिन आराम से लग जाएंगे, फिर वही सिम फिर जाना पड़ेगा वहीं के शोरूम में एयरटेल वाले के उसमें ना ऑफिस में, फिर मैं सिम डलवा के लाऊँगी उसमें, फिर उसमें टाइम सारा हुआ है। तो चलिए चलते हैं, मैं पहले वैक्सीन लगवा लूँ फिर मिलूँगी, पता नहीं व्लॉग आज भी पूरा होगा या नहीं होगा, हो गया तो ठीक है नहीं हुआ तो फिर मैं कल डालूंगी। इधर से आना, इधर से लगेगी चोट। नोनू यहाँ से बैठ, यशु तू भी आ, चल बब्बू जा तो रे, इनके लगेगा ना इंजेक्शन, चलो बैठो बैठो, क्यों क्या यशु बैठ जल्दी से, ज्यादा दे दूंगी चप्पल, चल ना चप्पल गिर गई इसमें, स्लिप हो गई, चौकी ले लो, चौकी दे दो, आज सरप्राइज है चौकी नोनू के लिए, तेरा कब देख ली बाउंटी, ये नोनू की है और ये नोनू लेगा ठीक है, ये मेरे बेतु की है। तो मैं आई थी पैसे निकालने, और आज मैंने फर्स्ट टाइम ATM से पैसे निकाले हैं और मेरे से पैसे निकल गए, तो मैं इनको जाके बोलूँगी कि मेरे से नहीं निकले हैं पैसे ठीक है, तो अभी आप लोग वेट करना कि ये क्या बोलते हैं, जाओ नहीं लग रहा मेरे से कार्ड लग गया आज मेरा टेस्ट है फुद्दू में है, क्या सही निकाला मैंने ATM से पहली बार पैसे, एक बार मेरा कार्ड बने 7 साल हो गए पर मैंने आज तक ATM यूज नहीं करा, कल हो जाएंगे अब 17 तारीख ने, तो आज तक सच बता रही हूँ मैंने ATM यूज नहीं करा, मैं गई हूँ इनके साथ कई बार, मैंने देखा मतलब कैसे क्या, पर थोड़ा सा होता ना कि अकेले, एक तो मेरे साथ पता नहीं क्यों ऐसा, मेरे को साथ में ना कोई चाहिए, तो आज ये बोले आज तेरा टेस्ट है और पैसे निकाल के ला,
तो मैं भैया ले आई, मतलब खट 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 मैंने पैसे निकाल लिए, क्योंकि आजकल सब कुछ गूगल पे से हो जाता है ना, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती एटीएम की, तो इसीलिए तो मैं फाइनली निकाल आई और मुझे पैसे निकालने भी आ गया फर्स्ट टाइम। तो देख लो मेरे, तो चलिए चलते हैं। और आज एटीएम भी खाली था, मैं सोचती थी एटीएम खाली होगा तो ही मैं अंदर घुसूंगी, नहीं तो मैं नहीं घुसूंगी, क्योंकि थोड़ा बहुत होता है। हाँ बोल सबसे पहले किसकी वैक्सीनेशन लगेगी, देखते हैं किसकी लगेगी। मुझे डर किस चीज का, बहुत स्ट्रांग हो तुम दोनों। दुयाली हाथ पे लगा करती, स्कूल में पता चली थारी वैक्सीन है, मैं किस चीज की वैक्सीन, पकड़ पकड़ कर टीचरों ने लगा दी है उसमें भी थोड़ा बहुत देर। तो डॉक्टर जो ये के वो लग रहे ये आड़े थे, अरे आंगनबाड़ी आड़े ये थे, चार पांच आए, और पूरे स्कूल में कितने बच्चे हो गए, नंबर नहीं आओ बच्चों का। उन मात टीचरों एक दो बार बताई, उन्होंने ठोक दिए हमारे पकड़ पकड़ के सारे इंजेक्शन, आज भी निशान है पैर पे हाथ पे। आजकल तो भैया बच्चों की वैक्सीनेशन ही लगवाना कोई आसी खेल तो है नहीं, अगर प्राइवेट में लगवा रहे तो। आज की अगर मैं वैक्सीनेशन आज की बताऊं इन दोनों की, ये नोनू की तो है टाइफाइड की और यशवी की किस चीज की, हेपेटाइटिस की है ना, हाँ इसकी सेकंड डोज है। तो आज की वैक्सीनेशन यू लगा लो 500-500 रुपए तो उन डॉक्टर की फीस होगी, मतलब कंसल्टेशन फीस होगी, ऊपर से 3700 से 3800 दोनों के मिला के जाएंगे यार, दोनों का और यशी की तो मैंने 15 महीने तक तो लगवाई थी इनकी कमांड हॉस्पिटल में, उसके बाद जो वो वाली थी ना, जो मतलब जो मेन थी वो लगी थी, और जो ऑप्शनल थी वो लोग नहीं लगा रहे थे, फिर मैंने सारी प्राइवेट ही लगवाई है, और मैंने लगवाई है सारी पेनलेस दोनों को, दोनों के भी फिर मैंने सेम करा 15 महीने तक लगवाई कमांड में, उसके बाद फिर मैंने जो बच्चों के डॉक्टर दोनों तो होते ही के साथ ही डॉक्टर के पास आ रहा, तो कमांड वाली वैक्सीन नहीं है ना, ये ऑप्शनल दे रखी है कमांड में सारी। एक जो दो वैक्सीन लगी थी इनकी, कौन सी थी उसकी, तो एक डोज 4000 की आई थी, मैं बता दूं आप लोगों को किस चीज की, वो नहीं हुई है अभी एड, वो मैंने दोनों की लगवाई है, वो एक 4000 की थी, तो लगा लो 16000 की तो वो वैक्सीन हम लोग लेके आए थे लगवाई यहाँ पे आगे थी, ऐसा लेके आप खुद आओ हैं, जो वो थी ना जो अभी नहीं ऐड करी है कुछ, तो वो 4000 की 3700 की एक पड़ी थी, 3700-3800 की। तो वो कौन से लगाते हैं फिर फ्री वाली। सो गाइस होगी इनकी वैक्सीनेशन, और मैं तो मम्मी बोलते ना ओला वर्गी हो गई, मैं भी ओला वर्गी हो गई भाई, 6000 में लगी है दोनों की, तो मतलब टोटल सब कुछ मिला के। अभी जा रहे हैं घर, काफी लेट भी हो गया, टाइम लग गया 7:05 हो गए अभी, तो बस अभी घर जाएंगे। यशवी खा रही है चॉकलेट, और नोनू को भी दिलाई है भैया इंजेक्शन लगे दोनों के, तो चॉकलेट तो खाएंगे एक एक, तो बस फटाफट घर पहुंचते, और अंधेरा हो गया देखो पीछे एकदम डार्क हो गया पूरा। सो गाइस देख लो पूरा डार्क हो गया यहाँ पे है ना, तो अभी हम फटाफट कुछ नहीं ले रहे घर जा रहे सीधा, बस हॉस्पिटल से निकले और हम जाएंगे घर। सो गाइस आज बन रही है मटर की कचौरी, और बाहर मैं वीडियो दिखा के लाऊं बहुत सारी मटर 6 किलो लेके आए थे मम्मी यार, तो वो छीली है, तो आज मैं मटर पीसने ग्राइंड करने जा रही हूँ मिक्सी में, तो चलिए जी मटर की कचौरी बनाते हैं। आटा वाटा लग गया पहले ही, और मटर देख लो एकदम फ्रेश है, ये देखो तो ये लगाया मैंने प्लग, ये रखी, और मैं पहले पीस लूँ फिर दिखाती हूँ। तो ये हो गया मटर, ये देखो एकदम मैंने मोटी मोटी ग्राइंड करी है मिक्सी में एकदम, ये देखो, तो मैं ये डालूंगी दूसरे उसमें और ये इसमें ट्रांसफर कर लूँगी। तो गाइस यहाँ मेरी मटर देखो मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया, तो ये देखो एकदम मतलब ऐसी, और ये वाली मैंने ले लिया बच्चों की, तो ये मैं बिना मिर्ची के निकालूंगी, और ये है हम सब की, तो इसमें सारे बेसिक मसाले लेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ये है इसमें धनिया पाउडर, थोड़ा बच्चों के में डालूंगी, ये इसमें मिर्ची पाउडर हल्का सा बच्चों के में जाएगा, और ये रहा नमक, नमक इसमें इतना और हल्का सा बच्चों के में, ठीक है। तो नमक में पहले कमी डालूंगी, बाद में देखेंगे अगर होगा, इसे बस इसमें हींग और लहसुन वो जाएगा गार्लिक पेस्ट। बेतू तो गाइस बन गया खाना, और मटर की कचौरी देख लो अंदर की स्टफिंग, ये देख लो ओहो गरम एकदम। खाना नहीं खाना दोनों, तो छो गया मैं बेतू वैक्सीन लगवा के, तो छो गया मैं सोना मोना, खाना नहीं खाना कुकर बच के नीचे जाती प्लेट। हो गया मेरा खाना पीना, और मेरा यशु का बाकी सब हो गया, बस नोनू का नहीं होया, वैक्सीन लगवाते आती गिर गया नीचे मेरा कुका, भागते भागते सो आ रहा था, देसी देसी ना कर छोरी रे,
और फिर हमें गिर गया ये, तो आते ही फिर सुला दिया इसको क्योंकि आज दिन में नहीं सोया था ये, तो बस व्लॉग हो गया लेंथी क्योंकि दो दिन से कंटिन्यू है, बस व्लॉग एंड करूँगी। तो कैसा लगा बताना जरूर, जो भी नए हो पहले सब्सक्राइब कर लो यार, आप लोग वीडियो देख लेते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो तो वो भी कर दिया करो, है ना। तो बस मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ, एक नई कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, बाय।